अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है फाइंड द, मतलब दो ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल का वैल्यू इधर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, इधर भी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। दोनों ट्रायंगल में पिक्चर देख लिया अच्छे से, क्वेश्चन 47 क्वेश्चन रीड कर लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो पिक्चर राइट वे दिया। अब मैं दो फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ मतलब पेपर में, फिर करेंगे 47। 47 दो पिक्चर, अभी मैं इधर साइड में एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर इधर दिया है एक्स माइनस 20, इधर दिया है एक्स माइनस 20, इधर दिया है एक्स प्लस 10, और दूसरे वाले फिगर में क्या दिया है, दूसरे वाले फिगर में दिया है एक ट्रायंगल है, बीच में कुछ हाइट है, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, उधर उधर कुछ नहीं है 10। मैं नेमिंग कर लेता हूँ, मैं नेमिंग कर लेता हूँ पी क्यू आर, पी क्यू आर इधर क्या है, इधर मतलब टोटल एक्स नहीं, इधर 8 है, इधर एक्स है, इधर एक्स, इधर 6.5 सेंटीमीटर, इधर 10 सेंटीमीटर। ओके, अभी तो क्वेश्चन नंबर आई में ये वाला फिगर था, ये वाला 2i का फिगर है। ओके, अभी ये देखते हैं, अभी क्वेश्चन मतलब एंगल, तो एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, 180 डिग्री वही प्रॉपर्टी डाल के कर देंगे। अभी एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी का वैल्यू क्या, एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। अभी डालते हैं, अभी एक्स 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 मतलब 3x, 3x माइनस 20 माइनस 20 तो माइनस 20 माइनस 20 माइनस 40, माइनस 40 प्लस 10, माइनस 40 प्लस 10 क्या होगा, माइनस 30, माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 30, इधर माइनस 30 तो उधर जाएगा तो क्या होगा, LHS माइनस 30 LHS जाएगा क्या होगा, प्लस 30। ओके, 3x इक्वल टू 180 प्लस 30 तो 210 डिग्री। अभी x का वैल्यू क्या होगा, 210 डिग्री डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब x का वैल्यू 70 डिग्री आ गया। अभी देखो ऑप्शन नंबर बी और सी में, ऑप्शन नंबर बी और सी में 70 है, और ए और सी का एक्सपायरी डेट खत्म हो गया, वो चला गया। अभी बी सी में फाइनल करते हैं, बी सी में फाइनल करने से क्या होगा, तो नहीं होगा, दो ऑप्शन हो गया। तो अभी 2i में चलते हैं, 2i पिक्चर दिया है, ये देखो ये राइट एंगल सिंबल है। ओके, मतलब ये वाला एक राइट एंगल है, राइट एंगल में ये एच है मतलब हाइपोटेंस, ये वाला क्या है बेस है, ये वाला क्या है परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर, तो अभी क्या करेंगे, इधर मतलब पी क्यू एस बीच में एस लिख देते हैं, मतलब ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पी हो गया, एच हो गया क्या 10 सेंटीमीटर, और पी कितना हो गया, पी हो गया 8 सेंटीमीटर। बी को बी अभी फाइंड करेंगे, बी भी फाइंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड कर सकते हैं। बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी का वैल्यू ऐसे निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट ओवर, एज क्या है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 माइनस 64 कितना होगा, 164 के 36, 36 का रूट ओवर कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अभी जो पी एस, पी एस का वैल्यू निकल गया, पी एस का वैल्यू निकल गया 6, ये वाला वैल्यू 6 निकल गया, ये वाला वैल्यू 6 6। ओके, 6। अभी दोस्तों देखो ये वाला साइड है पी एस आर, ये भी एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल सिंबल है। ओके, फिर दूसरे वाला ट्राइंगल पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर में राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एज क्या है, उसमें एज है 6.5, और हाइपोटेंस परपेंडिकुलर क्या होगा 6 हो गया, इसको फाइंड कर बी खुलेंगे, बी निकालेंगे, बी निकालेंगे। ओके, अभी जो ये जो एज पी था ना पी, ओके नहीं इधर इधर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फाइंड करना था, इधर बी होगा, इधर बी होगा, इधर पी होगा। ओके, इधर पी होगा, अकॉर्डिंग टू कॉरेक्शन इधर बी होगा, इधर पी होगा। ओके, बस ओके सही है, पी इक्वल टू 6, बी इक्वल, अभी इसमें निकालेंगे क्या, बी मतलब बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या है 6.5 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 6 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर कितना हुआ, मतलब 6.5 मतलब 65 पकड़ो, 6.5 मतलब 65 पकड़ो, 65 का स्क्वायर का n प्लस में 5 है तो 5 का डबल कर दो 25, और ये 6 है ना, 6 का नेक्स्ट प्लस क्या है 7, 6 7 42, मतलब 65 का स्क्वायर है 42.25, 42
4225 के बाद एक प्लस है तो पॉइंट के बाद 2 प्लस होगा तो इसका स्क्वायर 42.25 होगा। 42.25 माइनस 6 इज 36 अभी लिखेंगे, अभी माइनस कर लेते हैं। 42.25 माइनस 36 पॉइंट इधर में कुछ नहीं है 0.0 25 इधर प्लस करेंगे 12 से 6 होगा माइनस होगा तो 6 अभी 3 से 0 तो 0 6.25 क्या होगा 6.25 का मतलब क्या है मतलब 25 का स्क्वायर है 625 अभी पॉइंट है तो ऐसे 25 लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 2 प्लस है तो पॉइंट के बाद 1 प्लस होगा। स्क्वायर रूट मतलब क्या है कौन सी मतलब ऐसा नंबर बोले दो बार मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर निकालो तो दो बार 2.5 दो बार मल्टीप्लाई करने से निकला तो स्क्वायर रूट मतलब 2.5 मतलब अभी बी का ऑप्शन क्या है 2.5 मतलब आई का आंसर होगा 70 और 2y का आंसर होगा x पूछा था मतलब बेस्ट पूछा था बेस जो है 2.5 निकला 2.5 मतलब अभी देखो ऑप्शन नंबर सी में 2.5 और 70 है अभी ऑप्शन 47 का आंसर होगा क्या सी 47 का आंसर होगा सी। थैंक यू।